दोस्तों, सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब सभी सहारा निवेशकों के लिए खुशी की बात है कि उनका पैसा बहुत जल्द वापस होने जा रहा है। हाल ही में सेबी और सहारा के बीच बैठक में इस बात की पुष्टि की गई है कि लोगों के पास 50,000 करोड़ रुपए फर्स्ट राउंड में उन्हें वापस किए जाएंगे। सहारा के पैसे का भुगतान शुरू हो चुका है और उसका पेमेंट स्टेट लिंक भी जारी कर दिया गया है। सहारा के सीईओ सुब्रत राव ने हाल ही में एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया है कि सहारा निवेशकों का पैसा उन्हें सूद समेत वापस लौटाया जाएगा। पेमेंट जारी करने से पहले निवेशकों की पूरी तरीके से जांच की जाएगी कि क्या उन्होंने सहारा फंड में इन्वेस्ट किया था या नहीं। ऐसे में यदि आपके पास सहारा में इन्वेस्ट किए गए पैसे का कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सेबी के बैठक के दौरान सुब्रत राव ने आगामी एक सप्ताह का समय लिया है ताकि वो अपने निवेशकों का पैसा बैंक खातों तक पहुंचा सके। सहारा की तरफ से एक क्विक लिंक भी जारी किया गया है जिस लिंक पर आप एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनमें काफ़ी सारी शिकायतें का भी विवरण आप दे सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म होने के बाद ही आपका पैसा आपको वापस मिलने वाला है। सहारा किस नए फैसले के बाद गरीब परिवार के बीच एक खुशी की लहर दौड़ा रही है क्योंकि भारत में जितने भी लोगों ने सहारा में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था उनमें से अधिकांश ग्रामीण लोग और गरीब लोग हैं। निवेशकों की रकम की पेमेंट जिला अधिकारी की लापरवाही की वजह से बढ़ गई है। दोस्तों, मैं बता दूं, सुब्रत राव की तरफ से जो सहारा इंडिया का पैसा जितना फंसा हुआ है सभी निवेशकों का, वो बहुत ही जल्द उसका भुगतान करने वाले हैं। अब इसका भुगतान कब से किया जाएगा इसका डेट अभी जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।